हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सूजी का दानेदार लड्डू। बिना चाशनी, बिना कंडेंस्ड मिल्क का ये लड्डू बहुत ही अच्छे बनते हैं। टेक्सचर आप इसका देख सकते हैं, ये तो रवा का लड्डू पर इसे मुंह में डालते ही घुल जाने वाली लड्डू बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और पैन में अभी हम डाल देंगे 1 चम्मच घी और यहाँ पर लिया है मैंने 1 कप रवा। अब सूजी को पैन में डालेंगे और इसे लो फ्लेम में रख के भूनना है। लो फ्लेम में इसे भूनेंगे तो ये अच्छे से भून के पकते जाएगी। रवा बहुत जल्द भून जाती है, हाई फ्लेम में रोस्ट करोगे तो तुरंत से इसका कलर चेंज हो जाएगा और हमें इसका कलर तो चेंज करना ही नहीं है, लगातार इसे चलाते हुए भूनना है। इसे भूनते हुए मुझे 7-8 मिनट हो गए हैं और इसका कलर बिल्कुल भी डार्क नहीं हुआ है, बट ये हल्का सा भून के पक गई है। अब आप दूध लीजिए, मैंने यहाँ पर उबला हुआ दूध लिया है। नॉर्मली घर में जो स्पून होता है उसी स्पून से आप 3 चम्मच दूध को डालिए। दूध को सूजी में मिला के 1 मिनट तक अच्छे से पकने दीजिए। इस लड्डू को बनाने के लिए शुरू से आखिरी तक गैस का फ्लेम को आप लो में रखिए। दूध सोख हो गया है, दूसरी बार हम 3 चम्मच फिर से दूध को डालेंगे। और दूध को डालने के बाद इसे फिर से अच्छे से मिला देना है। टिप्स को ध्यान में रखोगे तो बहुत बढ़िया लड्डू बनके तैयार होगी। एक ही बार में आप बहुत ज्यादा दूध डालोगे तो लड्डू का टेक्सचर खराब हो जाएगा और हलवा जैसे हो जाएगा। और अब देख लीजिए, रवा अभी तक बिल्कुल दानेदार है। थर्ड टाइम फिर से हम अभी 3 चम्मच दूध डालेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस प्रोसेस में मैंने 3 बार 3-3 चम्मच करके दूध डाला है और 1-1 मिनट के लिए हमने इसे भुना है। तीसरी बार दूध डालने के बाद भी अच्छे से इसे भून लेना है और आप देख सकते हैं अभी भी ये बिल्कुल खिला खिला है। नेक्स्ट हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। हमने यहाँ पर थोड़ा सा आमंड्स लिया है और किशमिश लिया है। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसे और एक बार अच्छे से मिला देंगे और 2 मिनट तक पकने देंगे। पूरे 2 मिनट हो गए हैं, अब गैस को बंद करके इसे एक बर्तन में हम ट्रांसफर कर लेंगे। अब ये बिल्कुल गर्म है, ऐसे में 1/2 कप शक्कर पाउडर डाल रही हूँ इसमें। आप अपने हिसाब से शक्कर पाउडर को डालिएगा, अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसे मिक्स कर देंगे। शक्कर पाउडर डालने से लड्डू में अच्छा बाइंडिंग होगा। इस तरह से मुट्ठी करके देख लीजिएगा, इकट्ठा हो रहा है तो ठीक है और लड्डू नहीं बन रहे हैं तो 1-2 चम्मच दूध को मिक्स कर लीजिएगा। अब हम इसका लड्डू बनाएंगे, छोटा बड़ा आपका चॉइस का बना सकते हैं। तो मैंने इतनी साइज का लड्डू को बनाया है, इसी तरीके से हम सारे लड्डू को बना लेते हैं। मिक्सचर में शक्कर डालने का टाइम ध्यान रखिएगा कि मिक्सचर ठंड ना हो। अगर ठंड मिक्सचर में आप शक्कर को डालोगे तो मिक्सचर अलग, शक्कर अलग, इस टाइप का दिखेगा। तो लीजिए, बहुत ही बढ़िया दानेदार सूजी का लड्डू बनके तैयार है। टेक्सचर आप इसका देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बना है ये लड्डू। आप इसे हफ्तों तक स्टोर करके रख के खा सकते हैं। होप यू गाइस लाइक माई वीडियो। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।